हाँ जी बेटा, इससे आगे हमारा लेसन है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था ये पजल बाय द साइलेंस। हाँ जी, यहाँ से फिलिप लुक एट द क्लॉक। फिलिप ने जो है वो घड़ी की ओर देखा। ही वुड हैव टू हरी टू गेट टू द ट्रांसिट ऑन टाइम। फिर उसको याद आया कि आज उसने जो है वो ट्रांसिट के लिए जल्दी जाना था, जो उसका शाम को जो है वो इवनिंग टाइम जो है वो उसका ट्रांसिट था। ही वॉश्ड, उसने अपना हाथ मुंह धोया। गोबल ए सैंडविच, गोबल का मतलब था बेटे जल्दी जल्दी में, ठीक है। एंड रेन टू हिज रूम टू ड्रेस, और अपने रूम में जो है वो ड्रेस के लिए बाहर जाता है। ही लुक फॉर ए शर्ट इन द ड्रॉर, उसने ड्रॉर में अपनी शर्ट देखी। वेयर इज क्लीन लॉन्ड्री वॉज कैप्ट, यहाँ पे उसकी जो है वो लॉन्ड्री में सारा जो है वो सामान, साफ ड्रेस जो है वो रखी जाती है। द ड्रॉर वॉज एम्प्टी, ड्रॉर जो है वो बिल्कुल खाली था। द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक, अभी तक लॉन्ड्री जो है वो सारे कपड़े वापस लेके नहीं गया था। ओह फिलिप, मोन फॉर लॉन्ड्री, मोन होता है कि बेटे अपने आप में जो है वो चिल्लाना, और अलोन मतलब अकेले से। तो फिलिप जो है वो अकेले ही जो है वो चिल्ला रहा था, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। आई कैन नॉट प्ले विदाउट अ क्लीन शर्ट, मैं एक बिना मतलब गंदी शर्ट के जा नहीं खेल सकता। अरे सो सडनली फिलिप रियलाइज, जल्द अचानक ही फिलिप ने रियलाइज किया, ही ऑट टू टेल हिज म्यूजिक टीचर, उसको म्यूजिक टीचर के पास जाना चाहिए। प्रोफेसर एस्प्यूटा, बेटे क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का कि उसकी जो टीचर का नाम क्या था। प्रोफेसर एस्प्यूटा, ही रेन ओवर टू द स्कूल, वो स्कूल की ओर भाग रहा है। एंड ग्रैस्प आउट ऑफ हिज स्टोरी, गैस्प का मतलब था अपनी स्टोरी सारी बात बताने की, मैसे मेरे पास यूनिफॉर्म जो है वो नहीं है। एंड फर्स्ट द प्रोफेसर स्कॉल्ड होता है गुस्से के साथ बोलना, विद कंसर्न, बट वेन देन ही सेड दैट इज़ ऑल राइट, रन टू माई हाउस, चलो ठीक है तुम मेरे घर बार को, टेल माई वाइफ टू गिव यू वन ऑफ माई शर्ट, और मेरी वाइफ को बोलो तुम्हें कोई शर्ट दे। मिसिज एस्प्यूटा क्विकली फैच वन ऑफ हर हस्बैंड वाइट शर्ट, उसकी जो वाइफ थी मिसिज एस्प्यूटा, उसने जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड की वाइट शर्ट जो है वो ढूंढी बेटे, वाइट शर्ट। बट वेन फिलिप पुट इट ऑन, जब से फिलिप जो है वो डालने लगा वो शर्ट, शी बिगिन टू एक्सक्लेम ओह डियर ग्रेशियस, तो हम जैसे भगवान को बोलते ना, ओह भगवान क्या करूँ मैं अब, कितनी बड़ी शर्ट। द शर्ट वॉज सो लार्ज, शर्ट काफ़ी बड़ी थी। फिलिप वॉज आलमोस्ट लॉस्ट इन इट, उस खुली शर्ट में फिलिप जो है वो लॉस्ट हो गया। हेजिटली मिसिस एस्प्यूटा फाउंड ए बॉक्स ऑफ पिंस, जल्दी से उसने एक पिन वाला बॉक्स ढूंढा। इन अ ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग मतलब ऐसे जब हमारे पास टाइम कम होता है, शॉर्ट टाइम, हर निम्बल निम्बल होता है कोई भी काम करने वाली जैसे फिंगर्स, पिन इनफ टट इन द शर्ट टू मेक इट फिट ऑन फिलिप, तो उसने जल्दी जल्दी से पिनत के द्वारा जो है वो फिलिप को की बॉडी को जो है वो शर्ट को कवर किया। दे बोथ ही वे बिग साई ऑफ रिलीफ व्हेन द जॉब वाज फिनिश्ड, जैसे ही उसकी जो है वो ड्रेस कवर हो जाती है उसकी शर्ट पर, तो उसको पिन से आ जाती है, तो एट वो सांस लेती है आराम का। देन फ्री फ्रॉम अनेक्सिटी, मतलब बेचैनी जब खत्म हो जाती है, फिलिप हरी बैक टू दी स्कूल, तो फिलिप जो है वो फिर मतलब कैसे आराम से जो है वो स्कूल में जाता है। द ट्रांसिट फाइनली बिगिन, ट्रांसिट शुरू हो जाता है। सून इट वॉज टाइम फॉर फिलिप आल्सो, फिलिप की टर्न आ जाती है। ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है। प्लेस द वायलिन अंडर हिज चिन, और अपनी चिन के नीचे जो है वो वायलिन को लेता है। एंड रेस्ड हिज बो, और जैसे अपने बो को जो उठाने लगता है, विद हॉरर ही फेल्ट ए पिन पुलिंग लूज इन द बैक ऑफ हिज शर्ट, तो इस डर में उसने ये महसूस किया कि जैसे उसकी एक पिन जो है वो उतर गई है। बट ही रिकॉल हाउ मैनी पिन्स हैड बीन इंसर्टेड इन शर्ट, पर फिर उसको याद आता है कि काफ़ी सारी शर्ट पिन्स जो है वो उसकी शर्ट में लगी हुई हैं। एंड थॉट लूजिंग वन वुड नॉट मैटर, अगर उसमें से एक निकल भी गई है तो कोई बात नहीं। फिलिप स्टार्टेड टू प्ले, फिलिप ने प्ले करना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट इज राइट आर्म मूव्ड बैक एंड फोर्थ स्लोली देन मोर स्विफ्टली बिफोर लॉन्ग द पिन दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर पुल्ड आउट। द लूज लार्ज शर्ट कॉलर बिगन टू क्रीप अप द बैक ऑफ फिलिप हेड देन द अनरूली स्लीव्स ग्रू लूजर एंड लॉन्डर सडनली द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक। बट जैसे ही वो अपनी जो है वो वायलिन बजाना शुरू करता है तो पहले क्या होता है, जो पिन जो है वो उसकी बाजू से निकलती है और वो जो है वो जो अनरूली स्लीव्स मतलब डिसऑर्डरली जो होती है उसकी बाजू वगैरह जो है वो लूज होनी शुरू हो जाती है और जल्दी ही उसकी शर्ट जो है वो नेट से गिर जाती है। द ऑडियंस बिगिन टू लाफ, सारी ऑडियंस उसके ऊपर हंसना शुरू हो जाती है। इन एम्बेरस कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज हो जाता है और फिलिप फॉरगेट व्हाट ही वाज प्लेइंग, और वो कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा था।
एंड स्टॉप कम्प्लीटली और बिल्कुल रुक जाता है। द डिजास्टर सो अपसेट हिम दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज, और जो वो क्या करता है इस शर्मिंदगी में वो क्या करता है स्टेज छोड़ के भाग जाता है। एंड सल्क इन डार्क कॉर्नर, और सल्क तो रोना, और वो कहाँ पे रो रहा था, एक अंधेरे रूम में अकेले बैठ के रो रहा होता है। फाइट इन बैड टीयर्स ही मम्बल ग्लूमिली आई विश आई वर डेड, इस तरह वो आंसुओं के साथ जो है वो जब रो रहा था तो वो बुड़बुड़ा रहा था कि मैं अब कहीं मर ही जाऊँ। रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व आफ्टर द कंसर्ट, रिफ्रेशमेंट जो है वो सभी को दी जा रही थी, बट फिलिप वॉज टू बिजी टू हैव एनी, पर फिलिप अपने आप में बिजी था। ही मिंगल विद द क्राउड एज क्विकली एज ही कुड, वो चाहता था कि उस भीड़ में वो भी मिक्स हो जाए और जल्दी से बाहर निकल सके। होपिंग टू अवॉइड मिस्टर एस्प्यूटा, उसका जो म्यूजिक टीचर है वो उसको ना देखे। After a wistful look at the ice cream, जैसे उसने ice cream को देखा तो उसकी wish होती है मैं खाऊं। Philip was about to slink out when a blooming voice behind him spoke, "Well, Philip, you made a nice mess of it." तो जैसे वो वहाँ से निकलने लगता है उसको आवाज़ आती है कि "You made a nice mess." Philip turned, Philip मुड़ा and found himself face to face with his glowing teachers. तो वो अपनी जैसे मतलब पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी उसके पीछे क्यों होता है उसका म्यूजिक टीचर होता है। विद नो सिम्पथी फॉर पुअर फिलिप, फिलिप के साथ वो कोई भी सिम्पथी शो नहीं करते। मिस्टर एस्प्यूटा कंटिन्यू अनरीजनेबली, नो रिफ्रेशमेंट फॉर यू, तो मिस्टर एस्प्यूटा उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है। यू शुड नॉट हैव स्पेंट द डे प्लेइंग बॉल, तूने जो है वो बॉल के ऊपर अपना डे स्पेंड करने की बजाय यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ए इवनिंग, और शाम को तुम कोई और काम कर रहे थे। यू ऑट टू बी शेम्ड, तुम्हें जो है वो शर्म आनी चाहिए। आज बेटा इतना ही करवाती हूँ मैं, पहले ये स्टोरी जो है वो ध्यान से आप